हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से कह जाना एस एस सी फीचर से 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा थर्ड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नन द लेस मतलब फिर भी मेनी एंड ओल्ड पोइट्स, बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं सच एज जैसे कि टेनिशन हो गए एंड ब्राउनिंग हो गए, हैज़ कैप्ट, इन्होंने बनाए रखा है देयर रोमांसेस मतलब अपने रोमांसेस को टू द एंड मतलब एकदम अंत तक। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि फिर भी टेनिशन और ब्राउनिंग जैसे कई पुराने कवियों ने अपने रोमांस को अंत तक बनाए रखा है। ठीक, अब हम इसमें एरर की बात करें तो देखिए अंडरलाइन पोर्शन या फिर जो ब्रैकेट में इसी को हमें केवल चेक करना है। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले एक दो पॉइंट्स हम जान लेते हैं मेनी से रिलेटेड, जो कि बेसिक रूल होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि मेनी, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग मेनी से हो रही है और मेनी के बाद आर्टिकल आ जाए ए या एन, ठीक, अगर मेनी के बाद आर्टिकल ए या एन आ जाएगा तो याद रखिएगा आगे का जो नाउन आता है वो हमेशा आता है सिंगुलर में, और आगे की जो वर्ब होती है वो भी किस में लगाई जाती है, सिंगुलर में लगाई जाती है। लेकिन अगर मेनी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और आर्टिकल आने के बजाय डायरेक्ट नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल में आएगा। ठीक, इसका मतलब मेनी के बाद ए या एन आ गया तो नाउन सिंगुलर आएगा, अगर मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो क्या आएगा, नाउन प्लूरल आएगा, और नाउन प्लूरल आएगा तो आगे की वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक, अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ याद रखिए कि जब मेनी के बाद ए एन आएगा ना तो मेनी जैसे आ गया ऐसे मान सकते हैं आप, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि या तो हम लिखेंगे मेनी अ बॉय, या तो लिखिए आप मेनी अ बॉय या तो लिखिए मेनी बॉयज़, इस तरह से आप लिखेंगे। दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है, राइट है। या तो मेनी अ बॉय लिख के आगे के वर्ब भी सिंगुलर लगाइए, या फिर मेनी बॉयज़ लिखकर आगे वर्ब भी क्या लगाइए, प्लूरल लगाइए। ठीक, तो मे बी आपको कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मेनी से रिलेटेड दो स्ट्रक्चर बनते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, देखिए हमारे क्वेश्चन में कौन से स्ट्रक्चर पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, मेनी वर्ड आ गया और मेनी के बाद क्या आ गया, एन आ गया। तो हमें पता है कि ए या एन आने के बाद जो आगे का नाउन आता है क्या आता है, सिंगुलर आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए पोइट का पोइट्स किया गया है तो ये प्लूरल बनाया गया है। जब प्लूरल बनाया गया इसका मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया रॉन्ग। या तो आप एन को हटा दीजिए, या तो एन को हटा के इसको प्लूरल रहने दीजिए, या फिर एन रहेगा तो फिर पोइट्स का पोइट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट में तो जाएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है नो इंप्रूवमेंट, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये हम लगाएं क्या, अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि अब इसके स्थान पर या तो आएगा मेनी एन ओल्ड पोएट आ जाए, या फिर आ जाए मेनी ओल्ड पोएट्स आ जाए। लेकिन हम ये देखेंगे ऑप्शन में पहले आया क्या है। तो देखिए यहाँ आ गया मेनी ओल्ड पोएट्स, तो ठीक है यहाँ मेनी ओल्ड पोएट्स आ गया सच एट टेनिशन एंड ब्राउनिंग, और यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, हैव आ गया। ये तो स्ट्रक्चर एकदम सही चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि मेनी के बाद जब क्या आता है, नाउन प्लूरल आता है। तो मेनी के बाद देखिए नाउन क्या आ गया, प्लूरल आ गया। अब जब मेनी के बाद नाउन प्लूरल आ गया तो आगे की जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो देखिए लास्ट में हैव तो लगाया गया है तो हैव तो प्लूरल आया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो मोस्ट सुटेबल रहेगा वो ऑप्शन ए ही रहेगा। लेकिन अदर देख लेते हैं, अदर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। तो देखिए आ गया मेनी ओल्ड पोएट्स आया है यहाँ पे, तो मेनी ओल्ड पोएट्स आ गया, लेकिन वर्ब देखिए लास्ट में क्या लगा दिया गया, हैज़। तो हमें पता है कि मेनी के बाद जब कोई प्लूरल नाउन आता है तो आगे के वर्ब प्लूरल आती है, सिंगुलर नहीं आती, इसलिए हैज़ की वजह से सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर देखेंगे इसमें डी में, तो मेनी आ गया अ ओल्ड पोएट, तो हमें पता है देखिए आर्टिकल रॉन्ग लगाया गया था। क्यों, हम सबको पता है किसी भी शब्द का पहला उच्चारण अगर अ से अह के बीच में आता है उसके पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और किसी भी शब्द का पहला उच्चारण अगर का से ज्ञा के बीच में आता है तो वहाँ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और ओल्ड का साउंड अ निकल कर आ रहा है और अ साउंड वाला जो होता है उसके पहले एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते। तो यहाँ आर्टिकल ए नहीं लगेगा बल्कि एन होना चाहिए था, इस आर्टिकल की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। इसलिए हमारा जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम सब टिक कर देंगे। तो मे बी आपको आइडिया कुछ ना कुछ लग गया होगा।